चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना के लिए अब चंद घंटे बचे हैं। काउंटिंग को लेकर कांग्रेस जमीन से लेकर आसमान तक अलर्ट मोड पे है। चुनाव में गड़बड़ी रोकने कांग्रेस ने तमाम वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया है मतगणना स्थलों पर। खुद कमलनाथ भी अपने हेलीकॉप्टर के साथ 11 नगर निगमों के परिणामों पर नजर रखेंगे। कांग्रेस की तैयारियों के बीच सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया, तो वही कांग्रेस की तमाम तैयारियों के बीच भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी जमीन से लेकर आसमां तक इसलिए आपको दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम्भ में लोकतंत्र को गर्त में डाल रही है। तो लोकतंत्र की हत्या होते हुए तो हम देख नहीं सकते हैं, और यही कारण है कि हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देगी। और स्पष्ट निर्देश है हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी के, उन्होंने हर 11 क्षेत्रों में पर्यवेक्षक जो हमारे सीनियर लीडर हैं उन्हें तैयार कर रखा है, और लीगल एक्सपर्ट की टीम है। हेलीकॉप्टर से भी जाना पड़ा तो माननीय कमलनाथ जी खुद पहुंचे। देखिए, इससे पता लगता है कि कांग्रेस कितनी हार की मानसिकता से गुजर रही है। वो किसको मतगणना का इंचार्ज बनाए, किसको नहीं बनाए, ये उनका अंदरूनी मामला है। इस पर मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु ये तो सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस जनता ने जो उसके खिलाफ मत देने का मन बनाया है उससे भयभीत हो चुकी है।